राम राम जी सारे ने। फिलहाल भाई जो नया चैनल है व्लॉग इस पर डालिया कर दे, लेकिन आज तक भाई जो है इस पर न्यूज़ जो है हम डालिया करेंगे, और सीमा का जो है चैनल है इस पर जो है सीमा अपने जो है दिखाई देगी। सीमा इस चैनल पर एंकरिंग करेगी, और चैनल का नाम के रखा भाई वो भी एक बार आप ज़रूर बताइयो। फिलहाल जो है भिवानी मौजूद हाँ, और ईब जो है भाई अड़का जो है सर्वे करेगी सीमा, तो किस तरह तक जो है सीमा बात करा है वो पूरी की पूरी बात जो है भाई अब तक दिखावांगे। और पहली बार जो है सीमा ने कैमरा पर ले आऊँ हूँ, तो के कुछ किस तरह बात करा है वो आप देखियो। तो आज जो मीटिंग करी है शशि रंजन परमार जी ने, तो के कुछ फैसला रहा है इसमें, आप के कुछ मानना है इस मीटिंग का? सबका फैसला शशि के साथ, कि आप शशि जी का साथ हो बिल्कुल। तो उनकी पार्टी तो इस्तीफा दे दिया आपने? हाँ बिल्कुल, बीजेपी के साथ थे? हाँ शशि के साथ। अच्छा जी, बिल्कुल सारे शशि के साथ, एक एक आदमी शशि के साथ है, इसके साथ है शशि के साथ, शशि परमार जी के साथ, शशि परमार के साथ है। 20 आदमी ने हमेशा खर्चा कराया, खर्चा करने के बाद भी उसको यो इंतजाम मिला तो वो होगा, इसके लिए है हम तो। इनकी पार्टी छोड़ दिया आपने? छोड़ दिया हमने तो, पूरी छोड़ दी हम तो, अपना जो ले रहे थे वो भी छोड़ दिया। हमारी पार्टी शशि है, ईब शशि है, हमारी पार्टी शशि है। धन्यवाद जी। राम राम जी। राम राम। कहाँ से जी? बजेना से। आपका नाम? रामधारी। तो जो आज यह मीटिंग बुलाई है, तो इसमें क्या फैसला रहे? फैसला इसमें हमने तो कह दिया, ये आपके ऊपर निर्भर है, परमार साहब के ऊपर। आप साथ दोगे? नहीं हम साथ देंगे। कितने वोट आता आप जिताने का काम करो? वो तो देखो जनता जनार्दन है, उसमें कौन कितने किस हिसाब से, कांग्रेस का कौन आता है और बीजेपी की तो शुरुआती होगी, और भी ये आज़ाद लड़ेंगे तो उसमें तो देखो तीनों कैंडिडेटों को देख करके न पता चलेगा। शशि जी का साथ हो? बिल्कुल साथ, हम काम कति साथ हैं इनके। राम राम। राम राम। आपका नाम? हाँ जी। आपका नाम? नाम रोहतास। कहाँ से? बजीना। तो बताइए आज क्या फैसला रहा है? आज का फैसला रहा है जी, संडे को कैरू मीटिंग होगी, एक फाइनल फैसला उसमें आएगा। अच्छा, उसमें होगा। आज भी तो कुछ बात हुई? आज यही बात हुई, अभी सभी भाई कैरू आ जाओ, तुम जो कहोगे वो काम मैं करने के लिए तैयार। शशि परमार जी ने ये कहा है कि तुम अगर चाहोगे इलेक्शन तो इलेक्शन लड़ूंगा, अगर तुम और कुछ कहोगे तो वो कर लूंगा। सभी हल्के के कैरू मीटिंग है इतवार की, उस दिन फाइनल फैसला हो। धन्यवाद। खड़े बुजुर्ग जी, राम राम जी। आपका नाम? वेद प्रकाश। कहाँ से हो? मेरा नाम तो पदम सिंह है। कहाँ से हो? भिवानी से। तो जो आज ये मीटिंग हुई है उसमें क्या कुछ फैसला रहे? इसमें फैसला यही है कि इलेक्शन लड़ाएंगे, वो फैसला करेगी कौन सी पार्टी। 100% किसी पार्टी से नहीं, इंडिपेंडेंट लड़ोगे। तो आप सहमत हो पूरी तरह? बिल्कुल सहमत है। साथ दोगे? बिल्कुल बिल्कुल, सारा तो शाम हल्का सहमत है। 200% साथ जी। साथ 5 साल मैं एक दिन आया, इसका साथी हूँ मैं, तो मैं आया, मेरे को कोई काम था, नूले मेरे को तो शाम जाना है। मैं मखा भैया हम तेरे तो 30 साल तो साथ है, हमारे काम में भी आ जाया। नूले जी तो माफ़ कर दो, मैंने जाना है कहीं प्रोग्राम दे रहे। तो जो आदमी ने एक दिन भी नहीं छोड़ा हो, इतनी मेहनत मैं मानता हूँ किसी ने नहीं करी होगी, किसी हल्के में किसी भी लीडर ने नहीं करी होगी। हर सुख तो एक दिन भी इसने तो शाम जाना नहीं छोड़ा, 10 बजे तक रेट पे लगना, जनता के बीच में रहे। डीसी डेट पर लड़के लगने लग रहे थे, मैं बोले अरे मुखा वो गरीब है उसने देख भाई, नूले तो शाम तो सोजिक रहना करो। जिस आदमी ने अपना तन मन धन सारा है तो शाम के समर्पित कर रखा था, और आपने भी दुख होया जैसे उनकी टिकट कटी तो मतलब। और इससे एक और बताऊं आपको, घने हल्के मारेंगे बीजेपी ने अपना कई जगह मतलब नाश कर लिया है बीजेपी ने, असर पड़ेगा। और जगह भी यूपी में बनी थी, राजस्थान में बनी थी ना, वो हरियाणा में बनेगी। देख ज्यादा गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था पार्टी ने। विधायक जी ने 10 साल तक मेहनत करी है, उसके बाद में बीजेपी ने ये बहुत गलत कराया है इसके साथ में, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था पार्टी ने। ये पार्टी कई सीटों मार रही, एक पर तुसाम से नहीं बल्कि कई सीटों पर बीजेपी आ रही। आज के फैसला हुआ मतलब मीटिंग जो हुई है, ये फैसला ये हुआ है जो शशि जी हैं ये एतवार को कैरू में वो करेंगे, बाकी ये बात पक्की है, चुनाव तो इन्हें पक्का लड़ना है। कौन सी पार्टी से लड़ेंगे?
निर्दलीय कोई पार्टी आप साथ साथ बिल्कुल साथ है और मैं नहीं बल्कि पूरा हल्का 36 बरादरी साथ है। हाँ, किरण चौधरी को और इसको जो इनका भतीजा है अनुरुद्ध, ये बहुत ज़्यादा वोट आ रही है। कम से शशि रंजन परमार 20,000 वोटों से जीतेगा, कम से कम मेरा आइडिया जहाँ तक। गाँव पंजाबियाँ के थे, दो गाँव मारे मिलाए खरक कड़ंगा। 2005 में मुख्यमंत्री होते हुए उड्डे का लड़का हरा दिया था हमारे गाँव ने, अभी मनु को 49 वोट से जिता के भेजा था। मतलब कहने का मतलब कहने का ये है कि ये वफादारों को भूल रहे हैं और जो 4 दिन तक आए हैं उनको पकड़ रहे हैं, तो इनका तो सत्यानाश वैसे होने वाला है। जो आदमी अपनों को छोड़ के न दूर जागा, इतने पुराने लंबे उनके समर्थकों को छोड़ के भागता है, वो क्या करेगा? धोखा देना इस पार्टी का काम हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ भाई, जो पैसे ले गए ना वहाँ गड्डी दे गए ना आ जाएगा, उसकी टिकट हो जाएगी। और जो अब शशि परमार ने जो काम किया है आप सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 5 साल इस आदमी ने कितनी मेहनत की है, रोना तो अपना आप आएगा। तो हम इस पार्टी के समर्थक बने थे और हैं शुरू से ही, लेकिन हमारी पूछ तो ये तो इन्होंने तो ये मान लिया भी ये तो पिछलग्गू हैं, अपना आप आ जाएंगे। ये वही हाल करेंगे ये आदमी जो राजस्थान और यूपी में हुआ था।